दीजिएगा तो नौकरी तुरंत मिल जाएगा बिना पेपर दिए। आपको पता है ना, दस लाख रुपया में यहाँ पे नौकरी मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। सिर्फ को इस बार देख रहे हैं, माटी बेटी रोटी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी इस बार लड़ रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में इस बार झारखंड में सरकार बना रही है। इस साल हेमंत जी का सरकार रहा, इसको कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल अगर कहिएगा तो कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं है, कोई धरातल में कहीं भी कुछ भी नहीं है, कोई काम बोल रहे हैं कि जमीनी का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, ये जो भी है सो बिजनेस है। इलेक्शन डेट आ गया, इस टाइम अपने जवाब दे दीजिए। तो डायरेक्ट दिखेगा, मतलब दिसंबर में जवाब देने का हम लोग का वक्त आ गया, अब पता चल जाएगा। हेमंत सरकार, हेमंत जी का सरकार 5 सालों में लगा आपको? मुझे तो बहुत बेकार लगा। ढोल का पोल, सिर्फ ढोल बजाए हैं सरकार, जो बजाई है सरकार जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। ढोल का पोल मतलब जो आपसे बोला गया वो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया गया है, ठगबंधन की सरकार है। मतलब इस बार कमल का फूल खिलाएंगे बीजेपी को? यस, मतलब झारखंड में बीजेपी आने वाली है। नमस्कार, आप सशक्त देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो 2024 विधानसभा चुनाव का डेट आ गया है और कई सारे पार्टियां अपने मैदान में उतर गए हैं, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं कि इन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि अभी इलेक्शन का डेट आने के बाद इनके अंदर कैसा फीलिंग है कि जो 5 साल हेमंत सरकार रहे इनके लिए क्या किए, और नया चेंजिंग चाहते हैं या फिर से हेमंत सरकार को लाना चाहते हैं, इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अंकल। थैंक यू, धन्यवाद। 5 साल हेमंत जी का सरकार रहा, इसको कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल अगर कहिएगा तो कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं है, कोई धरातल में कहीं भी कुछ भी नहीं है, कोई मतलब काम बोल रहे हैं कि जमीनी का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, ये जो भी है सो बिजनेस है, सो बिजनेस, इलेक्शन खत्म, बिजनेस खत्म, ये वाला है। मतलब बिजनेस के पर्पस से ये काम कर रहे हैं? बस बस, टोटल बिजनेस है। अब इलेक्शन को भी एक बिजनेस बना दिया गया, अब बिजनेस हो रहा है। अभी आप किसको वोट देंगे क्योंकि आपका डेट आ गया है इलेक्शन का? वो तो थोड़ा सा अपने पास रखना चाहिए, फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि आप खुद बोल रहे हैं कि हेमंत जी ने हमारा कोई वैसा काम नहीं किया, तो चेंजिंग ही चाहिए ना, तो किसको लाएंगे? विपक्ष पार्टी तक बीजेपी है यहाँ पे। नहीं तो जो अच्छा काम कर रहा है बस उसी के साथ चलना है। चलिए और लोग हैं, इनसे जाने का कोशिश करेंगे। कैसा हेमंत जी का सरकार 5 सालों में लगा आपको? मुझे तो बहुत बेकार लगा। मतलब बीजेपी लाएंगे कोशिश में? विपक्ष की पार्टी सिर्फ बीजेपी है, एनडीए को यहाँ वोट दे सकते हैं, किसका सरकार लेके आएंगे बताइए? बहुत मतलब कोशिश में है कि बीजेपी ही है। मतलब कमल के फूल खिलेगा 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल। आप युवा हैं, क्या लगता है कि बीजेपी को लाने के बाद आपको जॉब मिलेगा? ऐसे तो कहा नहीं जा सकता है, कुछ हम नहीं बता सकते इसके बारे में, ऐसे वही बता सकते हैं कि मतलब कुछ रीजन रखा होगा ना बीजेपी को, भाई हम वोटिंग कर रहे हैं तो मेरे अंदर तो कोई रीजन होगा ना कि हम जो उम्मीद लेके बीजेपी को ला रहे हैं वो मेरा पूरा हो। क्या उम्मीद आपका है बीजेपी से, बताइए? ठीक है, राहुल गांधी 2 दिन पहले आए थे, जिलेबी के फैक्ट्री लगा रहे थे हरियाणा में, वो सरकार उनकी गिर गई, यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लेके आए थे बताइए? चलिए भैया बताइए। राहुल गांधी 2 दिन पहले आए थे हरियाणा में, चुनाव हार गए हैं, पता है ना आपको, वहाँ पे जिलेबी के फैक्ट्री, यहाँ कौन सी फैक्ट्री लेके आए? यहाँ बोले हैं आलू का फैक्ट्री बैठाएंगे, मतलब आलू के लेके आएंगे, उसको सोना का होगा क्योंकि यहाँ तो बीजेपी ही जीतेगा, क्योंकि उनका काम बोल रहा है। इसके अलावा बीजेपी तो सरकार में थी नहीं, तो काम कैसे आप देख लिए इनका काम? मतलब ये 14 की बात कर रहे हैं? हाँ, उनका 14 में भी काम अच्छा था, सेंट्रल में भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब आएंगे तो अब विकास यहाँ रांची में होगा ही होगा, झारखंड का। आपको पता है ना कि इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी आता है, उसमें तेजस्वी जी हैं, कई सारे भ्रष्टाचार को लेकर बैठे हुए हैं, कई सारे केस लगे हुए हैं उस पर, तब भी यहाँ पे आन गए गठबंधन मीटिंग कर रहे हैं कि हम इतना सीटों पे करेंगे, हम इतना सीटों पे करेंगे, उसको कैसे रहेंगे? मीटिंग तक ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा उनका। जीतेगा तो यहाँ से बीजेपी ही जाएगा, कमल फूल फिर खिलेगा। मतलब 2024 में कमल फूल खिल रहे हैं एकदम पूरा तरह से। युवाओं के लिए क्या रहेगा भैया, आप युवा हैं, लगता है कि जो बीजेपी को आप लाने की कोशिश कर रहे हैं युवा के लिए पूरा कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, और साथ में नौकरी वोकरी सब कुछ मिलेगा आपको, रोजगार भी मिलेगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि हर पार्टी को बहुत दिन जिताया है। कितने लोग हैं परिवार में आपका? हमारे में हम लोग तो देखा जाए तो 100-150 आदमी है। तो सारे लोगों को लेकर जाइएगा ना 13 तारीख को बूथ पे, सब बीजेपी सपोर्टर है, सब बीजेपी है। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं भैया बीजेपी को इस बार? बीजेपी को इस बार देख रहे हैं, माटी बेटी रोटी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी इस बार लड़ रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में इस बार झारखंड में सरकार बना रही है। और क्योंकि 2014 में इनका भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकाल था तो किसी चीज़ की कभी परेशानी नहीं, ना शहरवासियों को, ना जो ग्रामीण के लोग हैं ना उनको, क्योंकि इतनी अच्छी एम्बुलेंस की व्यवस्था, इतनी अच्छी सड़क की व्यवस्था,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं की। मतलब आप कह रहे हैं कि हेमंत जी के सरकार में हॉस्पिटल में दिक्कत है, सड़क में दिक्कत था। रो पेशेंट आप कभी रिम्स जा करके देखिए क्या स्थिति है पेशेंट लोग की, क्या स्थिति है सरकारी अस्पतालों की, हजारीबाग जाके देखिए। उस सरकारी अस्पताल में किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी अंदर पार्किंग हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी पार्किंग कर दी जा रही है बाइक, और किसी चीज़ के ना डॉक्टर है 10 बजे के बाद में, ना तो वहाँ पे डॉक्टर है, ना तो नर्स है, ना तो कोई है। हेमंत जी तो बोल रहे हैं कि हमारा जेल से निकले हुए 100 दिन से ज्यादा हो गया, अब हम प्रचार प्रचार ऐसा करेंगे कि बीजेपी को पता भी नहीं चलेगा। निकले तबे दीदी योजना देना था उनको, इतना 5 साल पहले कहाँ गए थे, तो पहले ही बोले थे कि दीदी को योजना देंगे, अभी आए हैं दीदी योजना देने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इनको इलेक्शन का टाइम जब आया तो याद आया कि ये योजना हमको देना है, ये देना है, और भी किसी को आ रहा है पैसा, किसी को नहीं आ रहा, तो कैसा योजना। हजार मतलब 4 साल तो ऐसे ले भी थे, 5वां साल आया तो दीदी योजना देके 1000 रुपया मिठाई दे रहे, लीजिए 1000 रुपया मिठाई खाइएगा। इलेक्शन के टाइम में इनको ये दीदी योजना करना था, इससे पहले सो गए थे। अंकल भी इनसे जानने का कोशिश करेंगे, 5 साल कार्यकाल कैसा लगा हेमंत जी का? ढोल का पोल, सिर्फ ढोल बजाए हैं सरकार, जो बजाई है सरकार, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। ढोल का पोल मतलब जो आपसे बोला गया वो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया गया है, ठगबंधन की सरकार है, और जितने भी सारे ठग है जो गठबंधन में हैं सब मिलजुल कर फिर से कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश विफल होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं सारे ठग हैं? बिल्कुल, देश को आज 60-70 साल से ठगते ही आ रहे हैं सारे लोग, तो आप झारखंड तो वही लेके आएंगे हमारे बीच। आप झारखंड के रहने वाले हैं, इसके पहले नहीं सोचे थे कि हेमंत सरकार को लाना हमारे लिए गलत है? नहीं, मौका देख के देखा गया कि भाई क्या करते हैं, तो लोगों को समझ में आया भाई ये सरकार कितनी फ्रूटफुल है हमारे लिए। तब आप सरकार चेंज करना चाह रहे? तो वो तो बोलते हैं हेमंत जी को जो स्टूडेंट के लिए 10th पास होता है तो स्कॉलरशिप हमने लाया, लैपटॉप हमने लाया, बीजेपी ने क्या लाया ये बताइए। सब तो यही कर दिए इतना साल से, बीजेपी तो कुछ किया ही नहीं है, बीजेपी ही जो किया अभी तक ले, हम जहाँ तक देख रहे हैं मतलब अपना 2014 से लेकर अभी तक ले, पहला हिंदुत्व का मुद्दा सबसे अच्छा, मतलब पहले हम लोग इतना दबे कुचले टाइप में रहते थे, और अब कम से कम वो स्थिति नहीं है कि हम लोग दब के रह रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा अपना हिंदू एकदम अब सर्वश्रेष्ठ में आया। अब आप कह रहे हैं कि हिंदू विरोध भी ये लोग हैं क्या? एकदम है भैया, इसलिए राहुल गांधी अदर कंट्री में जाकर स्टेटमेंट दे देते हैं आरक्षण विरोध को लेकर कि इंडिया ऐसा है। ऐसा तो ऐसा उनका सोच है तभी ना विदेश में जाके इंडिया का बुराई करते हैं, नहीं तो अच्छा सोच रहा था तो ऐसा थोड़ी। एक बात और हम जानने का कोशिश करेंगे, हमारे पास युवा लोग हैं, आपको पता है कि CGL का पेपर थोड़ी दिन पहले लीक हो गया था आपके स्टेट में, क्या लगता है कैसे देख रहे हैं इसी युवा के साथ तो प्रॉपर खेला गया है, क्योंकि जब आप तैयारी करके प्रॉपर एग्जाम में बैठने का कोशिश करते हैं आपका पेपर ही लीक कर दिया जाता है। फिर भी कैसे हो गया वो तो समझ में नहीं आ रहा, पूछना चाहिए था ना आपको सरकार से? वही तो हम लोग पूछे मतलब, लेकिन जवाब नहीं मिला उसको। तो मतलब जवाब के टाइम आ गया ना, आपका इलेक्शन डेट आ गया, इस टाइम अपने जवाब दे दीजिए। तो डायरेक्ट दिखेगा मतलब दिसंबर में जवाब देने का हम लोग का वक्त आ गया, अब पता चल जाएगा हेमंत सरकार को मतलब दिख जाएगा कि कौन जीतेगा और कैसे क्या होगा, अब समझ में आ जाएगा। एकदम पता काट दिया हेमंत जी का, एकदम पूरा काट, झारखंड से एकदम खत्म हो गया कहानी उनका, कहानी करना मतलब बीजेपी आने वाला है एकदम तय है पूरी तरह से। चलिए है, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि हेमंत सरकार में महिला अनसेफ है या सेफ है। आप एक महिला है, हेमंत जी का सरकार है, आप लोग सेफ है कि अनसेफ है हमें बताइए। आप लोग जो फील होता है जी कोई गलत नहीं है, जो आपके अंदर जो है वो बताइए। हमको तो अभी तक सेफ लगे हम। मतलब आप वोट देंगे हेमंत जी का क्या? नहीं। हाँ, किसको देंगे? बीजेपी को? जिनको देते हैं बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जिनको देते हैं बोलिए, बीजेपी को। मतलब इस बार कमल का फूल खिलाएंगे बीजेपी को? यस। मतलब झारखंड में बीजेपी आने वाली है, स्टेट को लोग बताते हैं कि लूट लिए हैं, इसके लिए जेल उनको जाना पड़ गया। योजना आप कैसे देख रहे हैं 5 सालों के हेमंत जी का सरकार को, आप कैसे देख रहे हैं बताइए? मुझे लगता है अभी फिलहाल जो योजना चला मैया योजना ही बस यही। मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले ऐसा कोई योजना नहीं था, इलेक्शन के टाइम इनको याद आया कि नौकरी के लिए ही ज़्यादातर बेरोजगार जो युवा है या फिर जो हमारे तरह से हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो प्राइवेट सेक्टर में मेरा तो उम्र चला गया है, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ में देखने मिला कि उन्होंने कुछ वादे किए थे नौकरियाँ का, जो नौकरियाँ नहीं मिले, जिनसे युवा बहुत ही परेशान है, उनसे नाराज़ है। मैं इनका कहना है कि जो जो वादा किया वो पूरा नहीं किए, जो ही वो बहुत सारे वादे तो मुझे याद नहीं है, बस मुझे नौकरी वाले याद है, वादा याद है मुझे कि वो पूरा नहीं किए हैं। आप एक महिला हैं, महिला के लिए हेमंत सरकार कुछ की है क्या? नहीं। पार्टी को चेंज करने के लिए कोई पर्पस आपका होगा ना, जैसे अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी को हम लाने वाले हैं, तो किस लिए ला रहे हैं बीजेपी को हेमंत सरकार आपको क्या? मतलब ये मैया योजना और गोगो दीदी योजना तो ये लास्ट में एंड में किए हैं, जब इनका खत्म कार्यकाल होने वाला है तब मैया योजना के लिए गया है।
इसके पहले तो कोई योजना महिलाएं के लिए नहीं था, या मतलब कोई बच्चे के लिए भी नहीं, नहीं था? बिल्कुल नहीं था। चलिए देखिए, यहाँ पे एक और लोग हैं, हम इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। और ये दुकान यहाँ पे चलाते हैं भैया, ये कितना इस सरकार से खुश हैं, इन्हीं समझाने का कोशिश करेंगे। आप एक युवा हैं, आप इनसे क्यों दुखी हैं? युवा के लिए जो उन्होंने बताया था वो दिया कि नहीं? नहीं, नहीं मिला, तभी ना यहाँ चौमिन बेच रहे हैं सर, क्या करें। सुबह शाम मेहनत करना पड़ता है, नौकरी वोकरी मिलता नहीं है, तब लास्ट में अपना दुकान खोले हैं। आप पढ़ाई आप छोड़ क्यों दिए हैं बताइए? नौकरी जब आप खोज रहे हैं गवर्नमेंट फील्ड में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना सर। पढ़ के बैठे हुए हैं, रोजगार भी। किस क्लास तक पढ़े हुए हैं बताइए? बीए किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है। आपको कोई रोजगार नहीं मिला? जी नहीं, फार्म भराता है, लीक हो जाता है, कभी फार्म भराता है, पेपर लीक होता है। मतलब मामला हमेशा आते रहता है स्टेट में, झारखंड में, कि जो पेपर लीक होने का मामला है। और यही से होता है, क्यों ऐसा होता है? 10 लाख दीजिएगा तो नौकरी तुरंत मिल जाएगा बिना पेपर दिए। आप बोल रहे हैं, आपको पता है ना? बिल्कुल, 10 लाख रुपया में नौकरी मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। अभी तो बीका है जी, जेपीएससी वाला, बस दिखाया गया। नेट बंद करने से थोड़ी ना पेपर नहीं लीक होगा, वो तो 5 दिन पहले भी लीक हो सकता है। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? जो पढ़ा लिखा है वो पास नहीं होता है, जो अनपढ़ रहता है वो पास हो जाता है, उसको रोजगार मिलता है। बिल्कुल। चलिए, इनका कहना है कि जो 5 सालों में हेमंत सरकार ने अपनी कार्यकालों में जो किया था वादा, उन्होंने पूरा नहीं किया। और हम चेंजिंग चाहते हैं 2024 में, हमारे टाइम भी आ गए, जो 13 तारीख को इलेक्शन डेट भी है। तो ये सारे लोग हैं। और आपको एक बात और बता देते हैं, खास करके युवा काफ़ी दुखी है, करने के लिए उनका पेपर लीक कर दिया जाता है और इनका जो होता है बैक लग के पीछे आ जाते हैं। सारी चीज़ों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहे सच टॉक न्यूज।